नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई टिकट से रिलेटेड, टिकट रिफंड से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, आपको पता है बहुत बड़ा पंगा चल रहा है यार। ये मार्च में लॉकडाउन लग गया था, लगभग 15 मार्च के बाद में बहुत सारी कंट्रीज में लॉकडाउन लगा था और बहुत सारी दुनिया ने लाखों की संख्या में जिनके फ्लाइट बुक थे, टिकट बुकिंग थी, यानी अरबों रुपए का मैटर चला गया है एक तरह से देखा जाए तो। रोज लाखों लोग ट्रेवल करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेवल लाखों लोग रोज करते हैं, तो टिकटें तो लोग सब बुक करवाते हैं, कोई 15 दिन पहले, कोई 20 दिन पहले, लोग महीने महीने पहले टिकट बुक करवा लेते हैं। अचानक से लॉकडाउन लग जाता है, पैसा उनका गया, टिकट बुक करवा ली थी, टिकट उनके पास थी, लॉकडाउन लग गया, फ्लाइट ओपन नहीं हुई, आपको सबको पता है, तो वो पैसा उनको मिलना चाहिए। इनमें इतना झोड़ झपाड़ का चक्कर क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आया यार। सुप्रीम कोर्ट तक आदेश दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट केंद्र को सरकार को दे रही है, केंद्र सरकार एयरलाइंस के ऊपर दबाव बना रही है, क्या माजरा है, पूरी डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। 9 सितंबर 2020, जी हाँ साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देशित दिया है, पूछा है कि भाई टिकट रिफंड का क्या मामला है, क्योंकि लोगों ने पैसे, लाखों रुपए की टिकटें हैं यार, लोग यूएस अमेरिका वगैरह वगैरह यूके वगैरह कितने महंगी टिकटें आती हैं, वो पैसा वो ऐसे ही छोड़ देंगे उनको। जब मुझे एक बात सोचने की बात है, आप इनको अलग करते हैं, सुप्रीम कोर्ट वगैरह फलाना ढिमका, छोड़िए उनको, पैसे मैंने दिए एग्जाम्पल के तौर पे, आपने मुझे कुछ लिखित में दे दिया कि भाई आप फलाने दिन को आपका ये सर्विस हम दे देंगे, उससे पहले कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, वो सर्विस आपको नहीं मिल पाती है, तो फंडा होना ही नहीं चाहिए। आपका खर्चा कहाँ हुआ भाई, आप क्या प्लेन खाली लेके गए थे यूके कि आप प्लेन में नहीं बैठे, टिकटें बुक थी, प्लेन हमारी खाली चली गई, हमारा खर्चा लग गया, पैसा भाई काम नहीं हुआ तो पैसा रिफंड कर दो, बात खत्म। कितना आज 7 महीने से मैटर चल रहा है ना, ऐसे लोग है ना, कोई गरीब आदमी किसी का पैसा ले ले, सरकार का बिल पे नहीं करता ना, प्लेंटी लग जाती है, घरवाला कनेक्शन काटने के लिए आ जाता है, आपने देखा होगा, राजस्थानी लोगों को पता है, 2 बिल ड्यू होते ही वो है ना गाड़ी लेके आ जाते हैं कैंपर, बदमाश लोग रिकवरी वाले की, खंबे पे चढ़ेंगे, आपका कनेक्शन काटेंगे, बिल कितना है जी 700 रुपये का, 2 बिल नहीं भरा है 1400 रुपये बाकी हो गए जी, बिल काट, कनेक्शन काट रहे हैं, पैसा जमा करा दो, चाहे कहीं से जमा कराओ, कुछ भी बेच के, आपकी बकरी है वो बेच के जमा कराओ, हमें कोई मतलब नहीं है। और यहाँ देखिए अरबों रुपए का मैटर चल रहा है, 7 महीने से सरकार भी मौन हुई बैठी है, लोग सुप्रीम कोर्ट के मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट में दखल दे रहे हैं, क्या माजरा। एयरलाइन वालों को शर्म नहीं आती आप लोगों को बिल्कुल भी, टिकट का पैसा रिफंड क्यों नहीं होता जी, जब टिकटें बुक करवाई थी आपने पैसे ले लिए, टिकट जब सर्विस नहीं दी, टिकट सिस्टम बंद था, तो पैसा रिफंड होना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट, लोग सुप्रीम कोर्ट वकील के जरिए अपनी बातें रख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सरकार, केंद्र सरकार पे दबाव दे रहा है कि इनका पैसा रिफंड होना चाहिए, केंद्र सरकार इनको कुछ दे रही है एडवाइस, आप इस तरह से इनको रिफंड कर दो, कुछ मान लेते हैं शर्तें, 80% लोगों ने शर्त मान ली, कुछ बोलते हैं हमें टाइम चाहिए जी रिफंड, इनका ही पैसा इनको वापस करने के लिए हमें टाइम चाहिए कि हम आपकी शर्त माने कि नहीं माने, बताओ कितनी गुंडागर्दी। मैं तो इसको गुंडागर्दी बोलता हूँ भाई, सीधी बात है, मेरी समझ में जहाँ तक है गुंडागर्दी है, पैसा दिया टिकट मिल गई लेकिन सर्विस नहीं मिली, पैसा रिफंड होना चाहिए, सीधी बात यह है, क्योंकि इसका एक ही लॉजिक है, आपका खर्चा नहीं हुआ, आपकी प्लेन तो एयरपोर्ट पे पड़ी थी, वहीं खड़ी थी ना 6-7 महीने से, खड़ी खड़ी खर्चा थोड़ी खा रही है आपका, आपने तो पूरे बेचारे कर्मचारियों को निकाल दिया, उनकी सैलरी कट कर दी, जॉब से निकाल रहे हो आप तो, कि हमारे पास पैसा नहीं है, लोगों का पैसा रिफंड करते हुए आपका जोर आता है आपको। 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की फिर सुनवाई होगी, जी हाँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है, आप केंद्र ढिलम ढिला क्यों बैठा है जी, DGCA फलाना हमारा नियम है, बनता है तुरंत प्रभाव से इनका पूरा पैसा कटना नहीं चाहिए, 1 चवन्नी भी पूरा पैसा रिफंड होना चाहिए, सीधी बात यह है। अगर केंद्र सरकार एयरलाइंस की अगर अपना पक्ष रख रहा है उनके पक्ष में, तो केंद्र सरकार दे दो ना लोगों के पैसे, क्यों नहीं दे रहे हो आप, लोग इतना टैक्स देते हैं, दे दीजिए पैसा, DGCA YCA फलाना ढिमका, हम ये नियम है, ये नियम क्यों नहीं बनाते आप, 7 दिन का टाइम है, सबको पैसा चुकाना चाहिए, वरना भारी जुर्माना भरना पड़ेगा, जोर आता है आपको ये बोलते हुए, आपके पास पूरे देश की कानून की शक्ति, क्यों कानून इस्तेमाल क्यों नहीं करते आप, ये लोगों का पैसा है, टिकटें नहीं बनी, लोग बेचारे बैठे हैं, उन पे ब्याज लग रहा है, गरीब लोगों ने टिकट बुक करवा ली, पैसा नहीं दे रहे, 23 सितंबर की फिर डेट दे दी, ये तो सुप्रीम कोर्ट का भला है कि उनकी वजह से पैसे मिल जाएंगे, ये कोर्ट इसीलिए होते हैं भाई, आप लोगों के न्याय के लिए, वरना ये तो कुछ नहीं है, एयरलाइन वाले हमें कुछ नहीं समझते, और एयरलाइन सरकार किसी को कुछ नहीं समझती, ऐसा सिस्टम चल रहा है। बस ये जानकारी देनी थी भाई, जिनके टिकट पेंडिंग पैसे हैं ना, दबाव बनाओ, ट्वीट करो जहाँ पे आपको करना है, खाट खड़ी करो, इनकी पैसे क्यों नहीं वापस हो रहे हैं, गलत बात है ना ये,
बस ये जानकारी है, बाकी 23 सितंबर को क्या फैसला आता है वो भी हम आपको बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।